अलीगढ़ के सुरेंद्र नगर में डबल मर्डर को दिया बदमाशों ने अंजाम। सर्राफा कारोबारी की पत्नी व 8 साल के बेटे की हत्या। जनपद अलीगढ़ के थाना कुआरसी क्षेत्र के अंतर्गत सुरेंद्र नगर में डबल मर्डर के बाद सनसनी फैल गई। इलाके में कोहराम मच गया। सर्राफा कारोबारी ललित वर्मा की पत्नी शिखा वर्मा व 8 साल के पुत्र शिवांशु का घर में शव पड़े हुए मिला। दिन ढलते ही अंधेरा होने के कारण पड़ोस की ही एक महिला लाइट न जलने से घर आई तो घर का दृश्य जब देखा तो आश्चर्यचकित रह गई और उसकी चीख निकल गई। पुत्र और माँ का शव घर में पड़े हुए थे। चाकुओं से गोदकर व ईंट से कुचलकर हत्या की गई है। पड़ोसियों ने जिसकी सूचना पुलिस को व पति सर्राफा कारोबारी ललित वर्मा को दी। इलाका पुलिस मौके पर पहुंच गई। घटनास्थल पर थाना कुआरसी पुलिस एसपी सिटी सीओ एसएसपी व डॉग स्क्वाड टीम भी मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। आपको बता दें कि अलीगढ़ के फूल चौराहे पर ललित वर्मा की ज्वेलर्स की दुकान है और घर सुरेंद्र नगर में है। घर में लूट के इरादे से बदमाश घुसे और विरोध करने पर माँ बेटे को चाकुओं से गोद कर मौत की घाट उतार गया। रसोई में मौजूद 4 चाकुओं से गोद कर और ईंट से कुचलकर हत्या की गई है। जीवीएन 24 न्यूज के लिए अलीगढ़ से बंटी कुमार की रिपोर्ट। ये आज एक पुलिस को सूचना मिली कि एक महिला और उसके 8 वर्षीय पुत्र की हत्या की सूचना पुलिस को मिली, जिस सूचना पर हम लोग तत्काल यहाँ पर आए। यहाँ पर जो महिला के पति हैं श्री ललित जी, इन्होंने बताया कि इनको पड़ोस के द्वारा सूचना दी गई थी कि घर पर इनकी पत्नी और इनके जो कि 37 वर्षीय हैं और इनका 8 वर्षीय बेटा, इनको किसी के द्वारा जो है इनकी हत्या कर दी गई है। मौके पर अभी हम लोगों की फॉरेंसिक टीम यहाँ पर पहुँच गई है। हम लोगों ने यहाँ पर टीमें गठित कर दी हैं और पूरे एरिया के जो सीसीटीवी वगैरह फुटेजेस हैं उसको हम लोग खंगाल रहे हैं। सर वजह क्या रही है? इनसे पूछा गया, इनसे मोटिव 2-3 पूछे गए हैं। उसमें से जो हर एक जो 2-3 तरह के मोटिव प्रकाश में आए हैं उन सभी पर हम लोग काम कर रहे हैं। अभी उस मोटिव का खुलासा करना बहुत जल्दबाजी होगी और उन जो मोटिव हैं उनको जो भी उसका एक एक पॉइंट पे हम लोग विवेचना और टीमों को लगा दिया गया है। यही मौके से टीमें गठित की गई हैं और उसके बाद 2-3 तरह की बातें इसमें प्रकाश में आ रही हैं, उन सभी पर हम लोग काम कर रहे हैं। बाकी घर वाले जो भी तहरीर देते हैं उसको पंजीकृत तत्काल पंजीकृत करने के लिए आदेशित कर दिया गया है और जो अधीनस्थ जितनी भी टीम्स लगी हैं इनका स्वयं निर्देशन किया जा रहा है और शीघ्र ही घटना के अनावरण के लिए आदेशित कर दिया गया। हाँ, जो सीसीटीवी के लिए एक अलग से टीम लगी है, जो इस गली में आने वाले हर तरफ के जो कैमरे हैं उसमें जितने भी लोग आज दिन भर में इधर आए हैं, दरअसल इनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ और हैं। आज ऐसा दिन था कि 2 बेटियाँ यहाँ नहीं थी, बुआ के घर में थी और ये महिला और ये बेटा ही यहाँ पर था। तो ये सूचना किन किन लोगों के पास हो सकती है और आज ही के दिन इस तरह से ये घटना कैसे कारित हुई, इसका क्या सीक्वेंस है? फिलहाल जो चाकू वगैरह हैं वो घर का जो चाकू है वो वहाँ पे पुलिस ने बरामद कर ही लिया है और इसके जितने पहलू हैं सब पर गहनता से विवेचना के आदेश दिए गए। अभी इनसे बात चल रही है, अभी तहरीरों में प्रस्तुत नहीं की है। जो 2-3 तरह की आशंकाएं उन्होंने जो जाहिर की हैं उन सभी पर हम लोग काम कर रहे हैं। बाकी जो तहरीर मिलती है उसके अनुसार हम लोग, हाँ, चाकू है वहाँ पर और एक जो बता रहे हैं कि किचन का ये एक ईंट का टुकड़ा है, वो ईंट का टुकड़ा वहाँ पर है, उससे वार, एक तो ईंट से हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट से किया गया है जो किचन का है और वहीं जो बता रहे हैं कि किचन का ये एक चाकू है उससे भी उस पर वार किया गया है। तो वो कितनी इंजरीज हैं ये सब तो आगे की जो रिपोर्ट्स होंगी, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स और आगे की, उन सबसे पता चलेगा। फिलहाल मैं इतना ही कहूँगा कि क्लियर कट हत्या का केस है और इसके अलावा जो अन्य पहलू हैं उन सब पर हम लोग विवेचना करें।